हेलो एवरी वन वेलकम टू आर एजुकेशन फॉर एक्सलेंस आई एम रमेश निशाद एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास नाइन सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट टू रीडिंग बी द पीसफुल गेम इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल सी समरी ऑफ द लेसन सो लेट्स स्टार्ट द पीसफुल गेम यानी एक शांत खेल इसे लिखा है नाथन जी गोल्डबर्ग ने और आज के इस लेसन में हम जानेंगे कि जो पोइट है उन्होंने कैसे और किस तरह से जो चेस का जो गेम है उसको एक शांत खेल कहा है एक सभ्य खेल के रूप में दिखाया है चेस के बारे में आप जानते होंगे चेस का जो खेल होता है वो एक बोर्ड गेम है और इस बोर्ड गेम में दो प्लेयर्स रहते हैं जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं और इस गेम में एक की जीत होती है और एक की हार होती है सो इस तरह से ये जो गेम है वो एक बोर्ड गेम है और इसे इस तरह से खेला जाता है सो इस लेसन में हम जानेंगे इसी गेम के बारे में कि कवि ने कैसे और किस तरह से इस गेम को एक शांत खेल के रूप में दिखाया है सो लेट्स स्टार्ट आई लाइक टू थिंक चेस इज अ करचियस गेम आई प्ले इट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स आई लाइक टू थिंक चेस इज़ अ पीसफुल गेम नो बडी गेट्स हर्ट्स हर्ट वैन इट एंड्स यहाँ पे कहा जा रहा है जो कवि है वो कहते हैं कि मैं ये सोच करके खुश हो जाता हूँ कि जो चेस का जो गेम है वो एक कर्टियस गेम है यानी कर्टियस मीन्स होता है सभ्य तो जो चेस का जो गेम है वो एक सभ्य गेम है सभ्य खेल है आई प्ले इट विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स और इसीलिए मैं इस खेल को अपने फैमिली के साथ अपने फ्रेंड के साथ खेलता हूँ आई लाइक टू थिंक चेस इज़ अ पीसफुल गेम पीसफुल गेम मीन्स होता है शांत खेल और वो ये सोच करके के खुश हो जाते हैं कि ये जो गेम है ये जो खेल है वो एक शांत खेल है इसके अलावा आगे कहते हैं नोबडी गेट्स हर्ट वैन ईट एंड्स और जब ये समाप्त होता है जब ये खेल समाप्त होता है तो किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती इससे किसी को नोबडी मीन्स किसी को कोई पीड़ा नहीं होती हर्ट नहीं होती और इस तरह से वो कहते हैं जैसे कि आप दूसरे गेम की बात करेंगे जैसे कबड्डी हो गया खो खो है क्रिकेट है तो उसमें क्या होता है कि उसमें चोट लगने की संभावना रहती है चोट भी लग जाती है बट वो कहते हैं कि ये जो गेम है द पीसफुल गेम चेस है चेस का खेल एक ऐसा खेल है जिसमें किसी को कोई चोट नहीं पड़ होती किसी को कोई तकलीफ नहीं होती सो इसीलिए उन्होंने इस गेम को कहा है द पीसफुल गेम आई नेवर डिस्ट्रैक्ट माई अपोनेंट आई डोंट वॉन्ट टू एट लाइक अ बेस्ट आई होप दे बिहेव इन द वेरी सेम वे सो बॉथ अ फर्स्ट प्ले एट आवर बेस्ट यहाँ पर आगे जो कभी है वो कहते हैं नेवर मीन्स कभी नहीं डिस्ट्रैक्ट मीन्स होता है ध्यान भटकाना अपोनेंट मीन्स होता है विरोधी और वो कहते हैं कि जब मैं चेस का गेम खेल रहा होता हूँ तो मैं अपने विरोधी से अपना ध्यान नहीं भट भटकाता क्यों क्योंकि उस समय मेरा ध्यान चेस खेलने में लगा रहता है क्योंकि चेस का गेम ऐसा गेम है जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है यानी दिमाग से खेला जाने वाला एक खेल है आई डोंट वॉन्ट टू एक्ट लाइक अ पेस्ट और वो कहते हैं कि मैं पेस्ट मीन्स होता है तंग करने वाला और वो कहते हैं कि मैं ऐसा एक्ट नहीं करता कि मैं दूसरों को तंग करने वाला हूँ एंड वो कहते हैं कि मैं एक्ट नहीं करना चाहता कि मैं तंग करने वाला हूँ एंड आई होप दे बिहेव इन द वेरी सेम वे और वो दूसरे से ये अपेक्षा करते हैं आशा करते हैं कि जो सामने वाला है वो भी ऐसा ही रहे यानी मेरी तरह ही रहे कि वो दूसरों को तंग करने वाला ना रहे एंड सो बॉथ अस प्ले इट और बेस्ट अब जब दोनों अच्छे रहेंगे दोनों का बिहेवियर अच्छा रहेगा तो गेम को काफ़ी अच्छे से खेल पाएंगे सो so, इसीलिए वो कहते हैं कि जो सामने वाला है वो भी अच्छा रहे और मैं भी अच्छा रहूँ तब गेम खेलने में थोड़ा अच्छा लगेगा यानी हम अच्छे से परफॉर्म करेंगे अच्छे से खेल पाएंगे अपना बेस्ट खेल पाएंगे आई नो चीस इज नॉट रियली जेंटल इट्स मोर लाइक अ वॉर और अ फाइट आई ऑलवेज सीक हैंड्स एट द स्टार्ट एंड द एंड सो बॉथ ऑफ अस प्ले इट आवर बेस्ट आगे जो है वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि जो चेस का जो गेम है वो वास्तव में जेंटल नहीं है जेंटल मीन्स होता है सभ्य वास्तव में देखा जाए तो जो चेस का जो खेल है वो सभ्य नहीं है इट्स मोर लाइक अ वार और अ फाइट और ये एक तरह से वार यानी युद्ध के जैसा है जैसे युद्ध होता है फाइट लड़ाई होती है उसके समान है उससे भी ज्यादा भी है आयुर्विद हैंड्स एट एंड द एंड और वो कहते हैं कि वो हमेशा गेम की शुरुआत में और गेम के अंत में इसीलिए वो क्या करते हैं अपना हाथ मिलाते हैं सेक हैंड्स एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं इसीलिए वो बताते हैं कि गेम की शुरुआत में और गेम के अंत में वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं सो तो ऐसे में क्या होता है सो तो बॉथ पर्स प्ले एट आवर बेस्ट और ऐसे में दोनों जो है अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं अच्छे से खेलते हैं आगे ऑन द बोर्ड वी आर इन एमीज ऑफ द बोर्ड वी आर फ्रेंड्स ऑन द बोर्ड दे आर इज नेम पीस बट दैट इज य आगे कहते हैं कि बोर्ड पर हम क्या रहते हैं एक दूसरे को हराने के लिए लगे हुए रहते हैं यानी इस गेम का नियम ये है कि एक हारेगा तो दूसरा जीतेगा दूसरा हारेगा तो पहला जीतेगा सो वो कहते हैं कि हम जब बोर्ड में रहते हैं तब हम एक दूसरे के क्या है शत्रु है क्योंकि हम एक दूसरे को हराने के लिए बैठे हुए हैं लेकिन आउट ऑफ द बोर्ड अब बोर्ड के बाहर हम क्या हैं एक दूसरे के फ्रेंड हैं एंड ऑन द बोर्ड देयर इज़ नेम अ पीस बट दैट इज़ जस्ट और वो कहते हैं कि बोर्ड पर जो शांति है वो कभी नहीं है क्योंकि हम एक दूसरे को हराने के लिए लगे हुए हैं बट वो कहते हैं किंतु ये सिर्फ एक बहाना है वो जो है राइटर कहते हैं आगे ऑन द बोर्ड वी आर इन एम ऑफ द बोर्ड वी आर फ्रेंड्स ऑन द बोर्ड देर इज ने पीस बट ऑफ द बोर्ड आई होप फॉर पीस दैट नेवर नेवर एंड्स वो फिर से वही बात कहते हैं कि बोर्ड पर हम एक दूसरे के शत्रु हैं बट आउट ऑफ बोर्ड बोर्ड के बाहर हम क्या है फ्रेंड है एंड बोर्ड पर शांति कभी नहीं है वो ऐसा कहते हैं लेकिन बोर्ड के बाहर वो आशा करते हैं कि जो शांति है वो कभी भी समाप्त नहीं होगी और इसी इसलिए वो कहते हैं कि बोर्ड के बाहर जो शांति है दैट नेवर नेवर एंड्स वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती सो so, ऐसा जो है कभी कहते हैं आई लाइक टू थिंक चेस इज़ अ कर्टियस गेम आई प्ले इट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स आई लाइक टू थिंक चेस इज़ अ पीसफुल गेम नो बडी गेट्स हर्ट वैन ईट एंड्स और आगे वो फिर से वही बात कहते हैं कि जो चेस का जो खेल है वो इस तरह से वो सोच करके के खुश हो जाते हैं कि जो चेस का जो खेल है वो एक तरह से कर्टेज गेम एक सभ्य गेम है सभ्य खेल है और वो इसीलिए इस खेल को अपने फ्रेंड के साथ अपने फैमिली के साथ खेलते हैं और वो ये सोच करके खुश हो जाते हैं कि ये एक पीसफुल गेम है एक शांत खेल है एंड वो फिर से वही कहते हैं कि इससे किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती किसी को कोई पीड़ा नहीं होती है और इसीलिए वो इस खेल को काफ़ी पसंद करते हैं और इसीलिए उन्होंने चेस के खेल को एक पीसफुल गेम कहा है और इस तरह से आज का जो लेसन है वो समाप्त हुआ आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल आई विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर टिल देन थैंक यू